नमस्कार, मैं आपके साथ सुमन बात। स्वागत है आपका न्यूज 21। आज हम आपको राधा रानी से जुड़ी हुई एक दिलचस्प कहानी सुनाएंगे कि कैसे राधा रानी को गुस्सा आया और उन्होंने एक पेड़ को श्राप दिया और उस श्राप की वजह से उस पेड़ के फल आज तक नहीं पकते हैं। ये वृंदावन के पेड़ों की कहानी की बात कर रहे हैं। आपने राधा कृष्ण के रास की कई कहानियां सुनी, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें राधा ने एक पेड़ को श्राप दिया जिसकी वजह से आज तक उस पेड़ पे फल पकते नहीं। आइए जानते हैं इस रोचक कथा को। 5500 साल पुराना एक मंदिर जो कि वृंदावन में है, वहां पर एक इमली का पेड़ है जिसको राधा रानी ने श्राप दिया था। भगवान कृष्ण के हर एक मंदिर का वैसे तो अपने आप में एक अलग ही इतिहास है और अपना एक अलग ही महत्व है। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है इमली तला मंदिर। ये मंदिर करीब 5500 साल पुराना है। इस मंदिर के पास में एक इमली का पेड़ है। इस पेड़ से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां और मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि इस पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण के नाम का जाप किया था। राधा रानी ने क्यों दिया था इस पेड़ को श्राप, ये भी अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि राधा रानी ने क्यों दिया था पेड़ को श्राप। द्वापर युग में ये पेड़ इमली से भरा हुआ रहता था। धार्मिक कथाओं की अगर माने तो धार्मिक कथाओं के अनुसार राधा रानी एक दिन यमुना से स्नान करके जैसे ही आई, उन्होंने अपना श्रृंगार किया और श्रृंगार करके वो एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ गई, जो कि यही इमली का पेड़ था। उसी दौरान पेड़ से एक पकी हुई इमली नीचे गिरी, जिसके ऊपर राधा रानी का पैर रखा और वो फिसल गई। फिसलने से उनका श्रृंगार खराब हो गया और उनके पैर का आलता भी धुल गया। इस वजह से राधा रानी को बहुत ही क्रोध आया और क्रोधित होकर उन्होंने इस पेड़ को श्राप दिया कि आज से इस पेड़ की इमली जो है वो कभी भी नहीं पकेगी। और इसी श्राप के कारण इमली के पेड़ पे जो इमलियां लगती हैं यहाँ पर, वो आज तक कभी पकती नहीं। इसी तरह की तमाम ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 21।